Hi guys, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and today I am in Purani Delhi. This old city shares a relationship with food since the Mughal era. You can smell the history as you pass by these narrow gullies. Aaj hum jayenge Paranthe wali gali aur Jama Masjid aur karenge in legendary places ko explore. So get ready to witness some delicious meat, heavenly parathas, lip-smacking chaat and much more. If you're new to my channel, make sure you subscribe and hit the bell icon. Also, if you enjoy this video, make sure you press the like button. ऑर्डर कर ली अपनी प्लेट. बाय द वे ये प्लेस 1872 में एस्टेब्लिश की गई थी, मतलब इतनी पुरानी जगह है ये. यहाँ पे आपको हर तरीके के पराठे मिल सकते हैं, इतने हटके पराठे हैं यहाँ पे, आलू प्याज से लेके ड्राई फ्रूट पराठे और रबड़ी पराठे भी. मेरी प्लेट यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी प्लेट में क्या क्या है. ये प्लेट है 130 रुपीज़ की, जिसमें मेरे को दो पराठे मिले और ये सारी सब्जियाँ मिली हैं. मैंने ऑर्डर किया एक पनीर पराठा और एक रबड़ी पराठा. पनीर पराठे में होगी पनीर की फिलिंग और देसी घी में फ्रेश फ्राई किया हुआ है, और यह है रबड़ी पराठा. ये तो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, मींस आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस. उसके साथ आपको दो चटनियाँ मिलती हैं. ये है बनाना टैमरिन चटनी जो थोड़ी खट्टी होती है. दिस इज़ अ मिंट कोरिएंडर चटनी. दिस इज़ पम्पकिन मैश विच इज़ कद्दू की सब्जी. दिस इज़ आलू मेथी एंड दिस इज़ आलू पीस की सब्जी. सो लेट्स ट्राई, दिस लुक्स रियली गुड. और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट पुरानी दिल्ली पराठे वाली गली से. सबसे पहले ट्राई करते हैं ये. एकदम सिंपल पनीर की फिलिंग है. इसको मैं ले लेती हूँ थोड़ा सब्जी के साथ, थोड़ी चटनी और थोड़ी ग्रीन चटनी. Oh my God. Wow. बहुत फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश. ये चटनी बहुत खट्टी है, बहुत अच्छी लग रही है. इनफैक्ट पराठे के साथ कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एकदम फ्रेश पराठे. देसी घी में फ्राइड है, तो एक्स्ट्रा फ्लेवर आ रहा है देसी घी का. बहुत ही बढ़िया है, टोटली रेकमेंड करूँगी. इतना हैवी भी नहीं है, फिलिंग है. अभी नेक्स्ट मैं ट्राई करती हूँ ये रबड़ी पराठा. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये ट्राई करने के लिए, मुझे हमेशा से ट्राई करना था. इसमें मैं कोई चटनी नहीं डालती हूँ. रबड़ी ज़्यादा स्वीट नहीं है, एकदम परफेक्टली चर्न्ड है. दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ. दूध क्रीम खोया पिस्ते से बनता है. दूध को उसमें रखा जाता है रात के 8 बजे से 3 बजे तक. 3 बजे जब उठते हैं तो मथनी होती है बिलोनी,
उसे बुलाना पड़ता है, मत नहीं जानते हो, उसे बुलाना पड़ता है। बुलो बुलो के जब जाग आती जाती है, जाती जाती है तो रात में डालती है, फिर उसके बाद डेकोरेशन करके बस बॉल की बन जाती है। ज़्यादातर बलोनी जो होती है उसी से बनता है। हर रोज़ 6 घंटे बनाना है, 3 बजे से 9 बजे तक। मतलब बहुत मेहनत है। हाँ मैम मेहनत तो है। और सिर्फ सर्दियों में मिलती है? हाँ जी, ओनली 4 मंथ। और सिर्फ दिल्ली में मिलती है? हाँ जी दिल्ली मिलती है, वैसे कानपुर में मिलता है, लखनऊ में मिलता है, दो जगह। फाइनली दौलत की चाट, अभी आपने सुना ये बनती कैसे है, और इसका टेक्सचर काफ़ी कॉटनी और लाइट है, इट्स लाइक अ व्हिप्ड क्रीम। ओके आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट बाइट नाउ। बहुत सॉफ्ट है, बहुत कॉटनी है, मुंह में रखते ही पिघल गया ये तो। एकदम रिच ट्रीट लग रही है, इट्स लाइक अ सॉफ्ट क्लाउड दैट आई एम ईटिंग। इसके ऊपर होता है करारा जो कि शुगर पाउडर होता है, खोया और केसर पिस्ता। आप जब भी दिल्ली आएँ पक्का ट्राई कीजिए दौलत की चाट। पराठे वाली गली और चांदनी चौक में बहुत सारे स्टॉल्स हैं, कहीं पे भी आप ट्राई कीजिए, और ट्राई कीजिए सुबह को खाने को क्योंकि बहुत फ्रेश होता है। जो भी दिल्ली का स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं, कचौरी तो आपके लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे होनी चाहिए। कचौरी इज़ अ रियली फेमस स्ट्रीट फूड इन दिल्ली, और हम यहाँ पे जंग बहादुर कचौरी वाले से कचौरी लेके आए हैं। दिस प्लेस इज़ हियर सिंस 45 years एंड इट्स रियली फेमस। ये देखिए, दिस इज़ अ हॉट क्रिस्पी कचौरी, इसके साथ है एक आलू की सब्ज़ी और साइड में है कचालू की खट्टी चटनी, और ऊपर से है धनिया एंड सम ग्रीन चिलीज। This looks really tempting. इसका प्राइस है 20 rupees. अभी मैं एक फर्स्ट बाइट ले लेती हूँ इसका। Wow. Actually spicy है, जो हमने जनपथ में खाई थी उससे काफ़ी spicy है, और उसके साथ ये कचालू की चटनी बहुत अच्छी है। आप ये ऑलरेडी देख सकते हो कि बाजी में कितने रेड चिलीज हैं, और ऊपर से ग्रीन चिलीज भी डाले हुए हैं, तो बहुत स्पाइसी होने वाला है। मैं थोड़ी सी खट्टी चटनी के साथ खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया मेरे लिए। ये कचौरी के अंदर है उड़द की दाल और इनके हैंडमेड स्पाइसेस, बहुत बढ़िया। We are in Al Jawahar restaurant which is near Jama Masjid, and we are here to have our lunch. These are some fresh tandoori rotis getting made. Tandoori rotiya ban rahi hai yahan pe, fresh fluffy ekdam. Ye mutton korma, ye mutton korma, mutton korma, mutton nihari, chicken, chicken korma, मटन स्ट्यू। और यहाँ पे चिकन चंगेज़ी बहुत फेमस है, मैं आपको बता देती हूँ चिकन चंगेज़ी क्या है। ये एक पॉपुलर नॉर्थ इंडियन डेलिकेसी है, इट्स रोस्टेड चिकन कुक्ड इन टमेटो ग्रेवी। रोस्टेड चिकन को टमेटो ग्रेवी में कुक किया जाता है, इसको मुगलाई प्रिपरेशन का एक आर्ट भी बोलते हैं, तो हम वही ट्राई करने वाले हैं। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट एंड आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। चिकन चंगेज़ी हाफ विथ सम तंदूरी रोटी। चिकन चंगेज़ी इज फाइनली हियर, उसके साथ हैं दो तंदूर रोटी, सैलेड, मिंट चटनी और चिकन चंगेज़ी। क्वांटिटी बहुत सही है, ये सिर्फ हाफ प्लेट है, और आप क्वांटिटी देखिए।
Wow, now I understand all the hype about this. Bahut delicious hai. Roasted tender chicken in tomato gravy. Thoda tangy hai aur isme bahut hi kam spices hai but ekdam balanced hai. I can't stop eating this. Ye to bahut hi zyada delicious hai. Clearly one of the best chicken dishes I've had. I had to wait 20 minutes for this but all worth it. क्वांटिटी बहुत सही है मुझे तो लगता है कि इसमें से 3-4 लोग आराम से खा उठते हैं हाफ प्लेट पे द कॉस्ट इज 360 आई थिंक इट्स वर्थ इट लुकिंग एट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग ट्रूली अ मील यू शुड नॉट मिस इफ यू आर कमिंग टू ओल्ड दिल्ली इट्स नियर जामा मस्जिद चिकन चंगेजी legendary places in Delhi. यहाँ का मुगलाई सीख कबाब और तंदूर बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड वी जस्ट सीन सम कबाब्स गेटिंग मेड दीज आर मटन सीख कबाब्स लेट्स गो एंड ऑर्डर समथिंग Karim's. I have ordered mutton korma, mutton seekh kebab and a roti. Mutton काफी time बाद try कर रही हूँ मैं काफी time से मैंने mutton नहीं खाया है. So let's try. I have been waiting to have this since so long and I'm finally having this. This is mutton korma. ये half plate है इसलिए quantity इतनी है. And this is mutton seekh kebab with a green chutney, coriander की chutney है. पहले थोड़ा मटन टेस्ट कर लेते हैं और फ्लफी अल जवार और करीम्स की तंदूर रोटी का साइज काफी बड़ा है डिलीशियस बीइंग अ सिंधी वी टेक प्राइड इन मेकिंग सिंधी मटन इन द बेस्ट वे दिस इज डैम गुड ग्रेवी इतना फ्लेवरफुल है थोड़ा टैंगी भी है स्पाइसी भी है और ब्लैक पेपर की वजह से एक अच्छा स्पाइसीनेस भी आ रहा है टू गुड मटन भी काफ़ी सॉफ्ट है वेल कुक्ड है मटन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो वेल कुक्ड हो कच्चा मटन अच्छा नहीं लगता है दिस इज़ वेल कुक अभी ट्राई करते हैं कबाब ये हमने एक पीस ऑर्डर किया है मटन सीख कबाब का इसको मैं थोड़ा चटनी में ले लेती हूँ थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ करीम्स मटन कबाब एंड मटन कोरमा इतना टेंडर इतना जूसी मीट नेक्स्ट स्टॉप है ओल्ड फेमस जलेबी वाला यहाँ की जलेबी पूरी दिल्ली में फेमस है दिस शॉप इज हियर सिंस 1884 फ्राइड इन होममेड देसी घी जलेबीज हियर आर अ रियल डील जलेबीज आर सो सॉफ्ट परफेक्टली स्वीट एंड डिलिशियस यू गॉट टू ट्राई देम व्हेन यू कमिंग टू दिल्ली The last spot for the day, Nataraj Dahi Bala. This is a flattened bala with yogurt
and chutneys. And I'm going to take the first bite. Delicious. The curd is sweet, but there's red chili powder and a sour tamarind chutney with burst of flavors into the mouth. Perfect way to end the food trail in Old Delhi today. So guys, this was it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Make sure you hit the like button, subscribe to my channel, share this video and press the bell icon. Next week's video is going to be about the street food of Lajpat Nagar, and if you don't want to miss it, press the bell icon right now. Let me know in the comments below, aapko ye video kaisa laga. I am going to see you next time. Till then, bye-bye.